नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सारा प्यार आप लोग मेरे चैनल को दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग निरंतर इसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे। और देखिए मेरी छत पर मेरी बगिया इस समय कितनी हरी भरी, और ये देखिए जब उसकी उम्र पूरी हो जाएगी तो इस तरह से पीला हो जाएगा। और फल जब पीला हो जाए उससे पहले ही तोड़ लेना चाहिए। और ये बीच में छिपे रह जाते हैं और छिपे होने की वजह से ये दिखाई नहीं देते तो ये ख़राब हो जाते हैं। और इस तरह से फल ख़राब हो जाए तो उसको हटाना ही ठीक है, तोड़ के हटा ही देना चाहिए। आज भी मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें बीच में मैं बोल जाता हूँ जिनको आप लोग मेरे से दोबारा कमेंट्स करके पूछते हैं। मैं कई बार ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ और आप लोग बार बार उसी चीज़ को कमेंट्स करके पूछते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, भगा भगा कर तेज़ तेज़ रफ्तार में देख लेते हैं। तो बाद में वो महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ होती हैं जिसकी वजह से मैं इस तरह से अपने बगीचे को इस तरह से सजा कर और इतनी फ्रूटिंग ले पाता हूँ। आप लोग यही सवाल होता है कि भैया आपकी बगिया में इतना हरा भरा, इतना सब कुछ कैसे होता है। जैसे एक सवाल आ रहा था कि डीकम्पोजर को कैसे इस्तेमाल करें, और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि देखिए फ्रूटिंग जरा, और इधर ये लौकी का देखिए। ये अब जो है ना, मैंने आपको बताया था कि लौकी की जो मेन बेल होती है, मैं विषय पर फिर से आऊँगा, विषय से हटूँगा नहीं। लौकी की जो मेन तना होता है उससे जो लंबी लंबी बेल भाग रही होती है, इसमें मैंने किसी का प्रश्न का उत्तर कवर करने की कोशिश की है और वो लंबी लंबी बेल भाग रही होती है और वो बहुत ऊँचे तक चढ़ जाती है और उसकी साइड ब्रांच नहीं निकलती हैं। साइड ब्रांच जब तक नहीं निकलेंगी तब तक फ्रूटिंग नहीं होगी, फल नहीं आएंगे। साइड ब्रांच आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फिर अगर वो पौधा ऊपर की तरफ भाग रहा है तो आपको क्या करना होगा, उसकी ऊपर की टिप जाके काट देनी होगी। जो सबसे ऊपर भगा जा रहा है वो 8 फुट 7 फुट 10 फुट तक पौधा भग गया और इसके बाद भी वो रुक नहीं रहा है तो आपको उसकी ऊपर की टिप काट देनी होगी। जब ऊपर की टिप कट जाएगी तो पौधा साइड ब्रांचें फेंक देगा। जब तक साइड ब्रांच साइड की शाखाएं नहीं निकलेंगी तब तक उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। और जरा देखिए इस लौकी के पौधे में कितनी साइड ब्रांचें, इतनी साइड ब्रांचें इसने अब फेंकी है और अब इसने फ्रूटिंग चालू की है। इधर देखिए उसने मेल फूल और फीमेल फूल दोनों इसमें आने शुरू हो गए हैं। और जब तक, एक चीज़ और मैं महत्वपूर्ण आपको बता दूं जानकारी, कि जब तक फल में चमक रहे, जैसे देखिए इस समय इस फल में कितनी चमक है, जब तक फल में चमक रहे तब तक ही समझना चाहिए कि अभी ये जो है ना बड़ा हो रहा है। और जैसे ही फल में चमक खत्म होने लगे फल को तुरंत तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो वो फल फिर खाने लायक नहीं रहेगा, उसमें बीज पड़ने लगेगा। फिर मैं आता हूँ कि डीकम्पोजर के विषय में कई बार मेरे से पूछा जाता है कि डीकम्पोजर का कैसे प्रयोग करें, कैसे इस्तेमाल करें। ये देखिए रैन लिली, रैन लिली ने देखिए कितने अच्छे फ्लावर फेंक दिए। जैसे ही पानी इसने ऊपर वाला जादुई पानी जैसे ही पाया, देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग रैन लिली ने दे दी। और ये मेरे पास 3 तरह की हैं जबकि 4 तरह के होते हैं। ये मेरे पास एक तो पिंक है और दूसरा ये वाइट है और तीसरा ये पीला है। देखिए ये 3 तरह की रैन लिली मेरे पास है। और इधर मैं आपको दिखा दूं, ये बुश ब्राइटी वाली झुमका बेल, ये भी देखिए फूल देने लगी है। और इधर फिर से देखिए ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, डेली कुछ ना कुछ सब्जियाँ यहाँ से टूट रही हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ डीकम्पोजर के विषय में।
डीकम्पोजर का मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं केवल डीकम्पोजर में ज़्यादातर अपनी खादें बनाता हूँ। मैं इधर से आपको खादें दिखा देता हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो आपको जानकारी मिल पाएगी, आपके सवालों का उत्तर मिल पाएगा। जैसे वर्मी कंपोस्ट का ये तरल है, तो मैंने इसके अंदर 30 लीटर का ड्रम है, इसके अंदर 3 किलो वर्मी कंपोस्ट डाला और 27 लीटर वेस्ट 27 लीटर डीकम्पोजर से भर दिया। इसी तरह सीवीड 2 किलो सीवीड इसके अंदर डाला, बाकी इसको डीकम्पोजर से फुल कर दिया। 10 उपले डाले और डीकम्पोजर से फिल कर दिया। इसके अंदर 5 किलो सपरेटा वाला दही मिक्सी में चलाकर, जिससे उसकी गुलथियां टूट जाएं, और उसको भर के इसके बाद डीकम्पोजर से फुल कर दिया। देखिए मैंने इसमें किसी में पानी नहीं डाला। फिर मैं इधर ले चलता हूँ आपको, इधर देखिए 3 किलो नीम की खली, 3 किलो नीम की खली डालकर और 27 लीटर डीकम्पोजर डालकर फिल कर दी, फुल कर दिया। इसी तरह से सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फूलों का अर्क, और ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सा डीकम्पोजर लेंगे, आप कोई भी डीकम्पोजर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डीकम्पोजर किसी भी तरह का डीकम्पोजर आप ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं से भी मंगा लीजिए, किसी भी किसान से, जिस किसान के पास, किसी भी किचन गार्डनिंग वाले के पास, भाई के पास अगर डीकम्पोजर है, तो आप उसके यहाँ से थोड़ा सा 10 ml, 15 ml, 20 ml कल्चर ले आइए और उसको अपने यहाँ बना लीजिए। आप कैसे बनाना है डीकम्पोजर, उसका वीडियो मेरा पहले से मेरे चैनल पर लोड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं डीकम्पोजर कैसे तैयार किया जाता है। और फिर भी मैं बता देता हूँ कि जैसे ये 100 लीटर का ड्रम है, मैं दिखा देता हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए, जैसे 100 लीटर का ड्रम है, और इस 100 लीटर के ड्रम में आप 100 लीटर पानी भर दीजिए, 1 किलो गुड़ डाल दीजिए और 20 ml, 15 ml इसके अंदर आप डीकम्पोजर डाल दीजिए। ये आपका 3-4 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, और ये बनके तैयार हो जाएगा और 7 दिन के बाद आप उसको इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा। आप 7 दिन बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहीं से भी ले लीजिए। देखिए आज मैंने आपके सवालों का जवाब को कवर करने की कोशिश की कि डीकम्पोजर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और इसका कोई भी चीज़ खाद बना रहे हैं आप, इसका काम क्या है डीकम्पोजर का? डीकम्पोजर क्या करता है कि इसके अंदर, जैसे खाद आपने कंडे के उपले, कंडे डाले, कहीं कहीं इनको उपले भी कहते हैं, गाय के गोबर के जो बने होते हैं, उनको आपने 5 कंडे उसके डाल दिए, तो डीकम्पोजर क्या करेगा, जो पानी अगर उसका 20 दिन में 15 दिन में उसका ताकत उसकी निकाल पाएगा, तो डीकम्पोजर उसकी ताकत 1 हफ्ते के अंदर निकाल लेगा और पूरी अच्छी तरह से निकाल लेगा। दूसरी बात, इसके अंदर एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, वो एसिड जो भी चीज़ उसके अंदर डालेंगे, वो उसके सारे तत्व, डीकम्पोजर का काम ही यही है कि वो डीकम्पोजर उसके सारे तत्व निकाल लेता है। मैंने पुराना वाला भी डीकम्पोजर प्रयोग लिया है, इस्तेमाल किया है, और नया वाला OWDC भी इस्तेमाल किया है। मैंने दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं पाया, मैंने दोनों में कोई विशेष, और दोनों का काम एक ही जैसा है, दोनों का काम मैंने एक ही जैसा पाया है। दोनों में डीकम्पोजर की ही ताकत है। जैसे अगर आप पेवर, मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो में बता दूं कि अगर आप पेवर डीकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे कि डीकम्पोजर केवल डाल के मैं खेती कर लूं, तो केवल डीकम्पोजर डाल के खेती नहीं होगी। इसके अंदर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाने पड़ेंगे। डीकम्पोजर क्या करेगा, जो दालों से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाएंगे, उसके पोषक तत्व दालों से निकाल लेगा। केवल डीकम्पोजर से खेती नहीं हो सकती। डीकम्पोजर का केवल एक ही काम है कि जो चीज उसके अंदर आप डालेंगे, उसके पोषक तत्व वो निकाल लेगा। आप केवल सोचें कि मिट्टी में केवल डीकम्पोजर डाल के खेती कर लूंगा या बागवानी कर लूंगा या किचन गार्डनिंग कर लूंगा, तो असंभव है। केवल डीकम्पोजर से खेती नहीं हो सकती। उसके साथ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाने पड़ेंगे, पत्थर की खाद बनानी पड़ेगी, तरल लिक्विड बनाने पड़ेंगे, और नीम की खली को तरल बनाना पड़ेगा। सारी खादें आपको तरल रूप में बनानी पड़ेंगी। पत्तियों का अर्क
पेस्टिसाइड के रूप में। ये देखिए, जब तक इन चीजों का आप प्रयोग नहीं करेंगे तो डीकम्पोजर कुछ भी नहीं करेगा। आप उसका स्प्रे करते जाइए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ आपको जब ही मिलेगा जब डीकम्पोजर के साथ में इन चीजों को बनाएंगे। वीडियो को पूरा समझिए और सुनिए मैंने क्या कहा। डीकम्पोजर जब ही काम करेगा जब उसके अंदर कोई चीज मिलाएंगे, तब उसकी ताकत को लेकर वो अपनी ताकत को 10 गुना बढ़ा लेगा। मैंने आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज बताने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसी तरह से सब्सक्राइब भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम लोग आपको नए नए वीडियो लाकर देते रहें। बगिया कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।